एक्स्ट्रा एडवेंचर हब चैनल देखे वाला तमाम चाचा भैया के हमारे साधु प्रणाम। हम हीरोइन लाइक बनी की हीरोइन कौन कहता है यहाँ पे तमाम लोग फिलहाल अभी हमारे मीडिया वाले हैं और हमारे व्यूअर्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये हीरोइन के लायक है या नहीं है। बदमाशी का है करेला हमारा के देखी देखी मोहरेला गोरे गोरे गाल गुल गुलाए जान रसगुल्ला समझ के का जाए का। वंशम से भी बड़ा बड़ा लेवल के सिनेमा आवे अपना। पवन सिंह जी के साथ साथ एक और शख्सियत का टीजर लॉन्च हुआ था जिसका नाम था मनी मिराज, वो भी फिल्म है, उस उनके फिल्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। यहाँ तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। आज मैं एक इवेंट में आया हूँ और इवेंट है विजय चौहान जी का, बहुत ही जबरदस्त तरीके का गाना लेकर क्या है। गाने का नाम है रसगुल्ला। इस गाने में फीमेल सिंगर हैं, बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन सिंगर जिनका नाम है शिल्पी राज, ये हमारे सामने विराजमान है। इन दोनों से कुछ बातें करना चाहता हूं इस इवेंट के बारे में और इस गाने के बारे में। तो सबसे पहले भैया हमारे चैनल पे आपका स्वागत है भैया। एक्स्ट्रा एडवेंचर हब चैनल देखे वाला तमाम चाचा भैया के हमारे साधु प्रणाम। पूछिए क्या मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम बड़े दिग्गजों को आप मतलब कैसे देखते हैं? आप सिंगिंग भी करते हैं, कंपोजिंग भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, मतलब टोटल गुण आपके पास है, छोटे कलाकारों को मौका नहीं दीजिएगा क्या? क्यों नहीं देंगे, देते ही हैं, जरूर देते हैं। इतना बेहतरीन बेहतरीन गाना लेकर के आते हैं अब बताइए, अब बोलते हैं कि मौका मिलेगा, कैसे मिलेगा मौका? इस तरीके का ब्लास्ट गाना लेकर के आइएगा तो बताइए ना मौका मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा, सब लोग अपना कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमसे भी तो बड़े कलाकार हैं, हम तो कुछ नहीं है इंडस्ट्री में, कुछ नहीं है, तो हम भी तो करेंगे, अपने अपने औकात भर ही करेंगे, जरूर करेंगे। एक गाना फिलहाल इनका आया है रसगुल्ला, बहुत ही लाजवाब है, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा। इस गाने में जो फीमेल सिंगर है शिल्पी राज जी है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की मतलब जो कहा जाना जितना मतलब तारीफ किया जाए कम हो जाएगी। मैं इनसे ही डायरेक्टली मैं पूछना चाहता हूँ कैसा ये गाना ला करके आप क्या बताना चाहती हैं ऑडियंस को? देखिए रसगुल्ला मिठाई में सबसे फेवरेट है सबके, तो हमने कैसन चूज करी जा नाम जन लोग प्रभावित होके, जैसे रसगुल्ला देख के आदमी ललचेला वही तरह गाना भी देख के सुन के एक टाइटल आदमी ललचे सुने खातिर व्याकुल होके। आपकी आवाज ही इतनी जबरदस्त है कि आपकी आवाज जब यूट्यूब पे जाता है ना तो ललचना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर रसगुल्ला लाने की क्या दरकार? बिल्कुल डबल लाएंगे तो डबल धमाका होगा भैया। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम ऑडियंस के हिसाब से मैं बात करने का कोशिश करता हूँ कि आप गाती हैं और लाजवाब गाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं नहीं सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑडियंस का प्यार आपको भरपूर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप विजय चौहान जी के साथ एज ए लीड एल्बम में कब आप दिखाई देंगी? हम हीरोइन लाइक बनी की हीरोइन। कौन कहता है यहाँ पे तमाम लोग फिलहाल अभी हमारे मीडिया वाले हैं और हमारे व्यूअर्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये हीरोइन के लायक है या नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि नहीं है। हम गा लेते हैं, हमें इतना सारा प्यार मिलता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आगे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इतना ही प्यार। आजकल तो पता होगा ट्रेंड सा चला है के एक्टिंग करते करते सिंगिंग भी आ जा करने लगते हैं, तो फिर आप सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग क्यों नहीं? एक्टिंग करते नहीं, अपने गाने में थोड़ा बहुत करते हैं, रील्स पे अपने देखिए मेरे इंस्टा, एकदम रील्स तो बहुत जबरदस्त है। चलिए ठीक है, इस रसगुल्ले गाने का दो लाइन हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, काफी खूबसूरत गीत बा, आप लोग सुन के और कमेंट करके बताए कैसा लगा। कि बड़ बदमाशी का है करेला हमारा के देखी देखी मोहरेला, तारा डर कवले जियो में ना जाए का ना जाए का। गोरे गोरे गाल गुल गुलाए जान रसगुल्ला समझ के का जाए का। गोरे गोरे गाल गुल गुलाए जान रसगुल्ला समझ के। क्या बात है, लाजवाब जबरदस्त। जैसा कि मैं जानता हूँ ये शायद आपका फर्स्ट इवेंट है? नहीं सेकंड। सेकंड है। और शिल्पी जी आपका अब पटना में? पटना में तो अभी फिलहाल में हुआ है, होता रहता है।
अच्छा एक, हाँ एक लास्ट सवाल आपसे ही करना चाहेंगे, विजय चौहान जी के साथ इवेंट में आप दिखाई दें, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े सिंगरों के साथ आप गाते हैं, उनका भी इवेंट होता है, उनमें आप नहीं दिखाई देती हैं क्यों? जाते हैं, जहाँ हमको बुलाया जाएगा वहाँ जाऊंगी। अभी कलू भैया का हुआ, वहाँ गई थी। क्या बात है, अभी भैया का हुआ, वहाँ भी गई थी, जहाँ मुझे बुलाया जाता मैं वहाँ जाती। अभी फिलहाल एक पवन सिंह जी का एक फिल्म अभी लॉन्च हुआ है, टीजर भी, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि रोआ चैनल के माध्यम से जितना भी लोग देख रहा होगा, सब लोग अपना अपना नज़दीकी सिनेमा घर में जाओ, भोजपुरी के बढ़ावा दी, रोआ सब भोजपुरी के प्यार दी, भोजपुरी सिनेमा के प्यार दी, पवन भैया के प्यार दी, ताकि सूर्यवंशम से भी बड़ा बड़ा लेवल के सिनेमा आवे अपना भोजपुरी। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि पवन सिंह जी के साथ साथ एक और शख्सियत का टीजर लॉन्च हुआ था जिसका नाम था मनी मिराज, वो भी फिल्म है, उस उनके फिल्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सारा आर्टिस्ट मेहनत करेला, तो आप लोग सबके सुनने के चाहिए, सबके देखे के चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो ये थे हमारे सामने विजय चौहान जी और शिल्पी राज जी। मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इनके जितने भी गाने होते हैं ब्लास्ट टाइप के गाने होते हैं, एक बार जरूर आप लोग YouTube पे सर्च कीजिएगा, वाकई में बहुत ही बेहतरीन गाना है। चलिए तब तक के लिए दे हमें इजाजत।